Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official students. We have started our chapter number 4, environmental pollution. Our today's topic is land pollution. Ki zameen mein aloodgi. Zameeni aloodgi kya hai? Kis tarah jo zameen mein jo aloodgi hai, gandgi hai, wo kis tarah hamein effect kar rahi hai, ye hum aaj study karenge. The garbage of houses and cities remains scattered on the land. जो घर का कूड़ा करकट होता है वो जो शहरों का होता है, ठीक है. घर वाले क्या करते हैं, दरवाजे क्या के रख देते हैं, वहाँ से म्यूनिसिपल कमेटी वाले आके उठाते हैं. उसको उठा के कहाँ पे रख देंगे, कहीं पे शहर के किसी एक साइड में खोले, वहाँ पे भी ढेरों ऐसे कूड़े के ढेर लगे होते हैं. देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज. कोई इनका अच्छा खासा इंतज़ाम नहीं है कि कहाँ पर हमने वेस्ट को डिस्पोजल करना है. सम पीपल थ्रो वेस्ट आउटसाइड देयर व्हीकल्स वाइल ट्रैवलिंग. आपने ये अक्सर रोड्स पे देखा होगा, लोग गाड़ी में बैठ के खाते पीते हैं, जब रैपर फेंकने की बारी आती है विंडो खोलते हैं फेंक देते हैं. एंड इट्स वेरी 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 बैड हैबिट, ठीक है. एज अ सिटीज़न हमें अपनी कंट्री को सबसे पहले साफ रखना होता है, ठीक है. इसलिए ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी. अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसे करता है कि गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप जो चीज़ खा रहे हैं उसका रैपर बाहर फेंक रहे हैं, आप वही रैपर अगर अपने किसी बैग है, आपके पास शॉप पर है, कुछ भी है, उसमें आप साइड में रख दें. यहाँ पर अपने इतने कपड़े रखे होते हैं, उसमें आप एक रैपर नहीं रख सकते. और जब घर जहाँ आपने जाना हो, अपनी मंजिल तक पहुँचे, तो उसको निकाल कर फेंक दें, डस्टबिन में रख दें. लेकिन इस तरह रोड पर फेंकना, इन्वायरमेंट को जो है ना पोल्यूट करना, ये अच्छी बात नहीं है. Thus the cities and the villages do not remain neat and clean. और इस वजह से जो होता है cities भी और as well as villages भी, गाँव और शहर दोनों ही land pollution दोनों में ही बहुत ज़्यादा है. Other than the insecticides and fertilizers have chemical substances. कीड़े मकोड़े और खादों के में भी chemicals होते हैं. These remains in the soil for long periods. और ये भी क्या करती हैं, फिर मिट्टी में मौजूद रहती हैं काफ़ी लंबे अरसे तक and cause the land pollution, और land pollution की वजह बनती हैं. Agricultural and poisonous substances of factories are also the cause of the land pollution. जो हम एग्रीकल्चर में खेतों में यूज़ करते हैं चीज़ें और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो फैक्ट्रीज में यूज़ केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो लैंड पोल्यूशन की वजह बनते हैं. स्टूडेंट्स, हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है. एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, जिस गली में हम रहते हैं, जिस और अपने घर के बाहर भी कोई इस तरह की गंदगी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है. अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखा करें, जहाँ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, जहाँ जहाँ आप आते जाते हैं देखा करें कि वो जगह साफ़ है कि नहीं है. उसकी वजह क्यों, अगर जगह क्लीन नहीं होगी तो आपके बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ, कि किस तरह से पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही है, वो हम भी स्टडी करेंगे. जर्म्स प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर आर द कॉजेज ऑफ द डिजीज. जर्म्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं. देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि जो वाटर है वो क्लीन होना, प्योर होना उसका बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पानी साफ नहीं है जो आप पी रहे हैं, तो वो क्या होगा, बहुत सारे आपको डिजीजेस कास कर सकता है. द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट पोल्यूट वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट. और जो ख़तरनाक किस्म की चीज सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो पोल्यूट करती हैं पानी को, और वो पानी जो होता है वो हम तक आ जाता है. इस तरह से हमें भी डिजीज होती हैं और एनवायरनमेंट भी क्या होता है, ख़राब होता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज यूज मोस्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर. एक्वाटिक एनिमल्स फिश टू डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. देखिए, तुम्हारी दाल या इस तरह वगैरह की चीज़ें, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मौजूद होता है. तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया ले लेता है. तो जो एनवायरनमेंट, पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, पौधे हैं, उनका क्या, उनको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऑक्सीजन तो वो गंदा वाला बैक्टीरिया ले जाएगा. इस वजह से फिश क्या हो जाती है, उसकी डेथ भी हो सकती है. द प्यूटेंट्स सच एज केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द पोल्यूटेड एयर कॉज द थ्रॉट, स्किन एंड आई डिजीजेज. और जो एनवायरनमेंट में, एयर में जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे केमिकल्स हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जो गैसेज हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमें गले की बीमारियाँ हो रही हैं, स्किन डिजीजेज हो रहे हैं, और आई डिजीजेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है. पोल्यूटेड गैसेज प्रेजेंट इन स्मोक कॉजेज लंग्स डिजीजेज एंड एलर्जी. देखें, जो आजकल एनवायरनमेंट में स्मोक चल रही है, ठीक है, और ये स्मोक जो होती है इससे आपके लंग्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं, और ये आपको एलर्जी कॉजिंग भी होती है, ठीक है. इससे आपको बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, जो आपके डेथ का काज भी बन सकते हैं.
सो जितना हो सकता है खुद को प्रिवेंट करें, बाहर मास्क लगा कर जाएं, जिस जगह बैठ रहे हैं वो साफ़ हो, जो चीज़ खा रहे हैं वो साफ़ हो, पानी पी रहे हैं वो प्योर हो, क्लीन हो, फिल्टर वाला पानी पिए, ठीक है। तो अपने आप की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करें, खुद को प्रिवेंट करें, डिजीजे से बचाएं खुद को। द नेक्स्ट वन इज़ द पॉइजनस सब्सटेंसेस एमिटिंग फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड स्मोक डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ एसिड ड्रेन। देखिए, ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जब वो एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं तो वो क्या करती हैं, ट्रीज़ के ऊपर जाकर इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द जमघट्टा सा बना लेती हैं। तो जब बारिश होती है तो वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैस जो हमारे लिए हार्मफुल है उसके साथ मिक्स होती है, और वो जब पानी नीचे आता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, एसिड ड्रेन बन जाता है। जबकि रेन क्या है, बारिश क्या है, अल्लाह ताला की एक रहमत है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस ने इसको भी हमारे लिए ख़तरनाक बना दिया हुआ है, और हम इसको एसिड ड्रेन का नाम देते हैं। इट इज़ हार्मिंग नॉट ओनली टू बिल्डिंग्स एंड ट्रीज बट ऑल्सो टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द स्ट्रीम्स, कैनाल्स एंड लेक्स। ये सिर्फ इसकी वजह से सिर्फ बिल्डिंग, आपको पता है एसिड ड्रेन की वजह से बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, उनका पेंट ख़राब हो जाता है, ट्रीज भी ख़राब हो जाते हैं, बट ऑल्सो द एक्वेटिक, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग्स, पौधे, यही नहीं इफेक्ट होते हैं इनकी वजह से, एसिड ड्रेन की वजह से, बल्कि एक्वेटिक लाइफ जो कि नदी, नालों, नहरों में और लेक्स में रह रही हैं, झीलों में, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। सबसे ज़्यादा ख़तरा ही मेरे ख्याल में पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो वाटर में रहने वाली एनिमल्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ है, फिश होगी, ठीक है, और भी जितने एनिमल्स जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स हैं सर्वाइव करते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय ओपन गार्बेज डंप्स। किसी ने क्या किया, अगर चलो कूड़ा करकट उठा ही लिया ना, तो उसको ओपन करके छोड़ दिया हुआ एनवायरनमेंट में, उस पर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े दूर दूर तक जा रहे हैं, इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, गंदा इलाका हो रहा है, किसी को परवाह ही नहीं होती इस बात की। दीज सब्सटेंसेस कॉजेस एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है और वाटर पोल्यूशन होता है, जो कि बहुत सारे डिजीज का काज बनता है, और अक्सर लोगों की डेथ भी हो जाती है। आपको पता है कोई फॉरनर जब पाकिस्तान में आता है तो वो यहाँ पर आकर इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होता, क्यों, पहली बार टेम्परेचर चेंज हो जाता है, दूसरी बार जो इन्वायरमेंट होती है उसमें जो पोल्यूशन होती है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट करती है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जल्दी ही वापस रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपनी इन्वायरमेंट को खुद क्लीन रखना है, अपने पाकिस्तान को खुद साफ़ रखना है, ठीक है। आप जहाँ जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसको साफ़ रखा करें, खुद की हिफाजत किया करें, ठीक है, यही आपकी प्रिवेंशन है। इसी तरह आप अपने डिजीज़ से क्योर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, एंड एज वी ऑल नाउ डैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है, बीमार होने से अच्छा आप खुद की पहले से हिफाजत कर लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पोल्यूशन और उसकी सारी टाइप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, ये भी पता चल गया होगा कि पोल्यूशन जो है वो हमारी लाइफ को किस किस तरह से इफेक्ट करता है, हम कितना डेंजरस है हमारे लिए ये पोल्यूशन, जिसको हम आम समझते हैं, ठीक है। तो बस आपने खुद की हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की, बहन भाई सब की हिफाजत करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।